Get down there! All right, everybody pays attention. No one gets hurt. Go! Open the door! They'll get worse than hurt! Hey! Hey! Ah! Come on! Ah, finally! Don't do any crap! Let's go! Shut up! Shut the fuck up! Hands behind your back! Oh, come on, mister. We're giving you everything you want. Don't even think about it. I'll do it. Okay. Get in there. Sit tight. I'll handle the plastic. Don't blow yourself up. Listen up. Hurry. What's he in doing? In the back. Come He's on. He's gonna kill us in here. Leave us alone. We didn't do shit to you. All set. Phone it in. I'm calling it. ये कहानी है बुराई की, सत्य क्या क्या असत्य थी, पैसों के लिए जान की बाजी लगाने वालों की। हाँ, ये कहानी है माइकल एंड उसके दोस्तों की, जहाँ पे अपनी जानों का कोई कीमत नहीं। कब धमाका, कब सामत आ जाए, यहाँ पे कुछ भी सही नहीं। कब कोई कहाँ पे धोखा दे जाए, इसका कोई अंदाजा नहीं। यहाँ पे विश्वास, भरोसा, धर्म, इन सभी का कोई मायने नहीं। कोई अपना पैसों के लिए पराया हो जाए, इसकी कोई खबर नहीं। नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है और एक गेम प्ले सीरीज में। तो आज हम खेलने वाले हैं GTA 5। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, माइकल एंड उसके दोस्त यहाँ पे बैंक रॉबरी करने के लिए आए हैं और हमें पैसा मिल चुका है और कॉप्स आ चुके हैं। बाहर हमारा अपेक्षा कर रहे हैं। तो इधर से हमें निकलने के लिए कुछ बॉम्ब वॉम्ब फोड़ने पड़ेंगे और दरवाजा तोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा। Fuck, you hear that? Siren! Fuck the cops! T, hit the shutter switch! What's that? Local resistance? It ain't supposed to go down like this! Chate. It never is! Come on, go! यदि वो चाहते हैं तो हमें मार सकते हैं, क्योंकि ये बात नहीं है हजार या दस हजार, बात है करोड़ों और अरोड़ों। खैर, यहाँ से पहले निकलते फिर बात करते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? इनको पहले निकालते फिर चलते हैं आगे। आगे जाकर हमें हमारे गड्ढे मिल गए जिसमें बैठकर हम आगे बढ़े। और हमारा प्लान ये है कि हमारे आगे जाने के बाद वहाँ पर चॉपर खड़ा हुआ है, यानी कि हेलीकॉप्टर, और उसमें बैठकर आगे बढ़े। पर इधर से निकलने के लिए काफ़ी सारे कॉप्स को मारना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, इतने सारे कॉप्स को मार चुके हैं और इनको निपटा कर हम भागते हैं। तो अभी हम ट्रेवर हैं। यहाँ पर हमारा दोस्त वेट कर रहा था हमारा, तो हम सभी गड्डी में बैठ गए। कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे? हमारी बेइज्जती क्यों कर रहा है? घर पे घुस के काटूंगा। तो हमारे पीछे पड़ चुकी है कॉल और इसके चलते, फायरिंग के चलते हमारा एक दोस्त मारा गया। तो आगे बढ़ने वाले हैं, जल्दी जल्द हमें भी निकलना है इधर से, नहीं तो हम भी हमारे दोस्त के जैसे मर सकते हैं। तो फिर हमें जल्द से जल्द यहाँ पर यहाँ से निकल कर चौपर के पास जाना पड़ेगा, जल्द से जल्द गड्डी चलाना पड़ेगा। हमारे पीछा करने के लिए आगे कॉप्स है, बट उन्हें पता नहीं हम कौन से गड्डी में आए। आगे रोड ब्लॉक है तो हमें राइट मोड़ना पड़ेगा। तो ट्रेन भी आ रहे हैं तो जल्द से जल्द यहाँ से निकलते हैं। अरे वाह, गड्डी के साथ घातक समस्या हो गया। अभी हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No, hey,
Stick to the plan. What? Stick to the fucking plan. Come on. Where the fuck's the chopper? Fuck. ये कौन है जो कि हमारे लिए घात लगा कर देता है? ओके, माइकल के दोस्त को गोली लग चुका है और माइकल उसे बचा रहा है। और भाई माइकल को भी गोली लग चुका है। अभी ट्रेवर बचा हुआ है तो उसे माइकल भागने के लिए बोल रहा है, तो हम भाग चलते हैं क्योंकि यहाँ पर रुके तो बच भी नहीं सकते, तो भागना ही सही है। और पुलिस भी आ चुके हैं। भागने के लिए हम कुछ हमें कुछ मसिया चाहिए। ये रहा मसिया, इसको मोहरा बनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसको बनाते हैं मोहरा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से भाग निकलना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारी जान के ऊपर पड़ी है। तो हम यहाँ से भाग चुके हैं। यहाँ पर माइकल का शोक सभा चल रहा है और यहाँ पर फादर है जो कि शोक सभा को आगे बढ़ा रहे हैं। Was crucified with two thieves. So perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. ये कौन है जो कि छुप छुप कर ये देख रहा है? अरे भाई ये तो माइकल है, ये कैसे बच गया? तो खैर आगे जाकर ये पता चल जाएगा शायद से। माइकल मरा नहीं है, बचा हुआ। Grand Theft Auto 5 स्टार्ट हो चुका है गेम। असल जिंदगी के मजे अभी आने वाले हैं। तो हम हैं फ्रैंकलिन और लामार के साथ आए बीच हाउस पे गड्डी चुराने के लिए, जिसको लेके हमारे बॉस यानी कि सिमियन को देना पड़ेगा। अबे साले पागल हो गए क्या? क्या सिमिया को देने वाला हूँ? नहीं नहीं गलत सुन रहे हो, सेमिया नहीं सीमिया। हमें यहाँ से निकल कर शोरूम के पास पहुँचना पड़ेगा और गड्डी बहुत तेज भाग रहे हैं। अब इस साले ये चूतिये लामा तेज गड्डी चलाने की वजह से पुलिस हमारे पीछे पड़ गई है, तो इनसे भागने के लिए हमें कहाँ पे तो कहीं पे जाना ही पड़ेगा। तो चलते हैं, देखते हैं जान बचाने के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा। जहाँ पर भी जाना पड़ेगा तो चलेंगे। तो पुलिस से बचने के लिए हम आ चुके हैं पहाड़ के ऊपर। हम भी सही बंदे हैं, सुपर कार को हम ऑन रोड नहीं ऑफ रोड राइडिंग कर रहे हैं और इसकी बुरी हालत हो रही है। इसको कैसे लेके जाऊँ मुझे नहीं पता। तो आप धूमपुर का सीन देखिए। खैर ये तो बढ़िया लैंडिंग, मस्त टंक मारने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या सही लैंडिंग। इसके बाद हम ये भगोड़ा गंद गाड़ी को शोरूम में दे चुके हैं और अभी हम हमारे घर के लिए रवाना हो रहे हैं। इसके साथ थोड़े मजे लेने चाहिए क्योंकि इसके लिए ही गड्डी का ये हालत हुआ है। हमारे पीछे पुलिस पड़ चुके थे इसके वजह से ही। खैर ये तो बैठ गया, बड़ी तेज निकला। तो हम घर के पास पहुंच चुके हैं, आगे गैराज साइड में, घर के साइड में। तो वहां पर गड्डी रखते हैं आराम से और घर के अंदर जाते हैं, कुछ मौज करते हैं। घर पहुंचने के बाद लेमन ने फ्रैंकलिन को उसकी बाल, उसकी चाल, उसकी सूरत जो नहीं है बनाने लायक मुहूर्त के बारे में बहुत सुना के गया है। खैर बातें तो होने वाले हैं, अब थोड़ा घूम के आते हैं। अंत से कम नहीं है स्टोर रूम,
तो घर के बाहर चलते हैं, थोड़ा घूम फिर लेते हैं। तो सिमियन का कॉल आ रहा है, हम सिमियन से बात कर चुके हैं, वो हमें कुछ काम है उसके उसके लिए, हमारे लिए मतलब हमारे लिए काम है उसके पास, तो उसके पास चलते हैं। क्या काम है हमें बताया नहीं है वो। तो जल्द से जल्द हमें जाना पड़ेगा सिमियन के पास। यहाँ पर कार पार्क कर लेते हैं और यहाँ आने के बाद हमें सिमियन ने कुछ काम दिया। हमें अभी जाना है भैंसपुसी बीच एंड वहाँ से एक तेज सतेज जिसकी ना निकलती कभी पेच इस बाइक लाने के लिए भेजा है। तो जल्द से पहुँच कर हमें वहाँ से बाइक लेना है। ये हम पकड़ लिए सुपर कार जो बड़ी तेज चलता है। तो लावान के साथ हम निकल चुके हैं। इसका नाम लावान नहीं होना चाहिए, लोमड़ी होना चाहिए। क्या तेज दिमाग है। बड़े तेज चल रहा है और हम बहुत कुछ कर रहे हैं इस गड्डी के साथ, बहुत बुरा हो रहा है। तो फिर हम पहुंचने वाले, हम गलती के ऊपर गलती कर रहे हैं, बार बार आगे चले जा रहे हैं बातें करते करते। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे। फिर अंदर जाते हैं और बाइक जहां पर है वहां से बाइक लेकर फिर से हमें वहीं पर जाना है जहां से हम आए। फिर अंदर अभी कल से जाना पड़ेगा, गेट बंद है तो हमें कूद के ही जाना पड़ेगा यहां से। और ये क्या पी रखा है, पीना गलत बात है, मत पियो, सजा तो मिलेगा। ये लो, बहुत गुस्सा दिला रहे, ये लो, सही बात है, अब लेटे रहे मजे से। ये कौन है गड्डी लेके हमारे आगे दुविधा डाल। तो यहाँ कहीं पे तो होगा बाइक, ओके अच्छा यहाँ पर बाइक है, सही है बाइक लेते हैं और चलते हैं। अरे भाई बाइक तो यहाँ पर नहीं मिलता है पे। हमें क्या सीमेंट ने झूठ बोला? अरे नहीं सीमेंट क्यों झूठ बोलेगा, ये बाइक चुरा ले गई है। ओके लामा के हाथ से गलती से गोली चल गई है और इनके पूरे के पूरे गैंग हमारे पीछे पड़ चुके हैं। इनको निपटा कर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जल्द से जल्द आगे बढ़ते हैं इनको निपटा कर। ये एकदम बढ़िया वाला हेडशॉट देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जल्द से जल्द यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा नहीं तो वो गड्डी लेके चला जाएगा। ये ऊपर रहकर मैं तब से परेशान कर रहा हूँ। तो उनको निपटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और भाई साइड में एक बंदा है जो तब से, और थैंक यू भाई जो गड्डी लेके आया था ना, बहुत मदद कर दिया मुझे, बहुत डैमेज दे चुका था बंदा। इसको निपटाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो सब बंदे निपट चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे भाग रहे उसके पीछे पीछे हम भी भागते हैं। ओके बाइक लेके जा चुके हैं वो, उसका पीछा करके बाइक को लेके हमें सिमियन के पास जाना पड़ेगा नहीं तो बहुत गालियाँ सुनना पड़ेगा। खैर ये सुपर कार लेते हैं और बाइक को लाने के लिए जाते हैं। बाइक चलाने में एक एडवांटेज है, जहाँ पर चाहो जिसके अंदर चाहो घुस के निकल सकते हो, बट सुपर कार से वो तो नहीं होगा। कोई नहीं हम बहुत तेज है पकड़ सकते हैं, पकड़ लेंगे। और ये अब सुविधा थी इसको पकड़ने, कोई नहीं इसको आगे जाकर पकड़ेंगे। ओके इसको पकड़ने के लिए गली के अंदर बढ़िया चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है।
उसको जल्द से जल्द पकड़ना पड़ेगा और मैं मास्टर ही नहीं कर रहा हूँ। पर चला सब थोड़ी तो दिक्कत होगा, अभी नए नए हैं, सीख रहे हैं। अरे और इस ड्राइवर कुछ गलत कर रहे हैं। बाइक वाले को ठोक दिए, जिसके चलते बाइक तो बाइक का बुरा हालत नहीं होना चाहिए, नहीं तो सिमरन हमें बहुत मार। अरे भाई बहुत तेज है, बहुत बढ़िया, खरोच भी नहीं है ये बाइक पे। तो इसको लेकर हम जल्द से जल्द पहुंचते हैं सिमरन के पास, यानी कि चलते हैं जल्द से जल्द, मैं और भी काम है। देखो क्या सही चला रहे हैं। तो मैं रास्ते में लामर ने फोन करके कुछ अलग ही जगह बुला लिया, इसके चलते हम यहाँ पर आ गए। That's that Apache blood in me, homie. You lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! तो हम जो बाइक लेने गए थे, उसको लामांड ने लेके चला गया, क्योंकि उसके चाहिए था क्रेडिट। और लेके चला गया तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा। खैर कोई बात नहीं, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे एक मजेदार वीडियो के साथ।